एशएमएल में आपका खैर मकदम। नाजरीन, सकम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है। नाजरीन, वादी कश्मीर में सख्त चिलाई कलान स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 21 दिसंबर को आए नाजरीन यहाँ के मुकामी लोगों से बात करते हैं, उनके ख्याल जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब विंटर स्टार्ट हो जाता है, पहले ही हमारी गुजारिश रहेगी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को, ये आन टो रहे, जो ही बर्फ थोड़ी सी पड़ती है तो पूरा रास्ता बंद हो जाता है। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जैसे गैस है, सब्जी है, उनका भाव ऊपर चढ़ता है, तो आम लोगों के लिए मुश्किलात का सामना होता है। और ख़ासकर पानी भी जम जाता है चले कलान में, आप ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इलेक्ट्रिक बिजली की। इसलिए अगर पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन उनको ऑन टो रखे और उनको गाइडेंस दे, गाइड करे कि डायरेक्ट करे कि ये अवेलेबल रहे, और जो फार फ्लंग एरियाज है उनकी तरह तवज्जो देने की ज़रूरत है, और जो अगर स्नो पड़ता है तो मैन और मशीनरी ऑन टो रखने की ज़रूरत है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, ADD साहब, ADC साहब, ACD साहब सारे, और ये देखे, तहसीलदारों को डायरेक्शन दे दे, वो अपने अपने इलाके में देखे और कहाँ पर क्या लकुना में सिस्टम है और देखे कहाँ पर हमें क्या मजबूरी है, खासकर बिजली जान देने की ज़रूरत है, गैस देखना है, गैस की अवेलेबिलिटी है, और बाकी जितने भी चाहे सब्जी उस आसमान को छू लेती है उनके लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। चले कलान की जो आज आमद हुई है, कहीं ना कहीं लोग इसका वेलकम भी करते हैं, और ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जो इसको नहीं चाहते हैं, लेकिन ये अल्लाह का एक निज़ाम है। मसला जो है कश्मीर के लोग जो फेस करते हैं चले कलान के दौरान, ये जो 40 दिन होते हैं बड़े कठिन सर्दी के होते हैं, और लोग जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनका एक सवाल यहाँ पे बनता है। तो आपके वसादत से, आपके माध्यम से मैं ज़िला इंतजामिया गांधरबल से एक गुजारिश करना चाहूँगा, बिजली, पानी और सड़क ये मुंजमद हो जाते हैं, इन चीज़ों को मद्दनज़र रखते हुए लोगों के लिए जो आसाइशें फराहम होनी चाहिए ताकि लोग सफ़र न करें। अचानक चीज़ों की जो इजाफा किया जाता है, इसके कुछ फैक्टर हैं। एक तो फैक्टर है हमारा नेशनल हाईवे बंद होने के साथ ही यहाँ पे कालाबाजारी का ये शुरू हो जाता है। अचानक अगर आप इस वक्त मौसम ठीक है, हम यहाँ पे बैठे आज 21 दिसंबर है, किसी को लगता नहीं कि चिले कलान की आमद हुई है। अचानक अगर आप इस वक्त मार्केट में जाओगे, आप मुँह में एक अंडा का डब्बा देखोगे 1200 का रेट है, और अगर अचानक आज रात को बारिश हुई, बर्फ़ हुई, रोड बंद हो गया, यही अंडे का डब्बा अगले दिन 1400-1500 में बिक जाता है। तो ज़िला इंतजामिया गांधरबल को, खासकर फूड डिपार्टमेंट को और म्यूनसिपल काउंसिल गांधरबल को इसकी तरफ ध्यान देनी चाहिए, और जहां भी ऐसी ब्लैक मार्केटिंग होती होगी उस आयाम में, तो उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। नाजरीन, ये थे कुछ मकामी लोग जिन्होंने हमारे साथ बात की, उन्होंने चिलाई कलान के बारे में अपने ख्याल इजहार किए हैं। उनका कहना है चिलाई कलान जब यहाँ पर स्टार्ट होता है, यहाँ पर मुश्किलातों का सामना बढ़ जाता है और यहाँ पर मार्केट आसमान छू लेता है। अगर यहाँ के मकामी लोग अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर मैसर होना चाहिए और बिजली यहाँ पर मैसर होनी चाहिए, क्योंकि बिजली का बड़ा अहम रोल होता है यहाँ पर हमारी वादी कश्मीर में। नाज़रीन, दीजिए इजाज़त, मैं आपका मेज़बान डार मोहम्मद रफ़ी, कैमरा मैन शाहिद के साथ।